हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा कल के लिए, हम इंट्राडे के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, जो हम इंट्राडे के स्टॉक्स लेकर आए हैं वो ऑप्शंस कैटेगरी के हैं, तो उनमें हम लोग ऑप्शंस के लेवल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने स्विंग ट्रेड दिए, तीन स्टॉक अभी हमारे चल रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और इस वीक जैसा हर वीकेंड को मैं नया स्टॉक्स लेकर आता हूँ, तो इस बार भी मैं एक नया स्टॉक्स लेकर आया हूँ, पार्शली एक्टिवेटेड हो चुका है। और जो दो स्टॉक है उनमें हम देखेंगे क्या अभी भी एक्टिवेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस टारगेट, सारी चीज़ों का हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इंट्राडे की स्टॉक जो आज मैंने दिया था, ITC। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ITC हम लोगों ने निकाल के दिया, और यहाँ देख सकते हो आप इसका ट्रिगर हुआ, ये अलार्म सिंबल है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेड आउट हो चुका है और ये ग्रेड आउट नहीं हुआ, यानी ग्रेड आउट हो चुका है यानी कि अलार्म ट्रिगर हो गया। और जैसे ही ट्रिगर हुआ, वैसे उसने हमारा यहाँ पर टेलीग्राम पर इसका अलर्ट आया कि भाई क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन इंट्राडे 9:15 पे, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी दोस्तों, मार्केट खुला इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद उसने हमको एक अच्छा खासा हमारे यहाँ पे टारगेट इजीली हमारा बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ इजीली टारगेट अचीव करवाया। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों सन टीवी, जो उसका भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलर्ट, ये रहा अलर्ट, ग्रेड आउट हो चुका है, यानी कि इसका अलर्ट आया। अलर्ट आने के बाद उसने भी यहाँ पर हमको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, और हमारा जो 685 का था, 686.8 पे और हाई लगा के उसने हमारा टारगेट ईजिली अचीव किया, और उसका भी यहाँ पे आप लोगों के सामने अलर्ट दिख रहा होगा। ये आया है 9:15 बाद, और ये आया है 43 के बाद। तो अब चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कल के जो स्टॉक्स हम लोग रडार पे रखने वाले हैं। पहला टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एनालिसिस दिख रही, 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने ओपन है, और इसमें यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये अलार्म फिर से लगा रखा है दोस्तों टेलीग्राम पे इसका। जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ, इस मोमेंट पे आपको यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, वेरी नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने यहाँ पे दोस्तों सिर्फ शॉर्ट सेल साइड की ही हम लोग बात करने वाले, इसमें बाई साइड के लेवल मुझे नहीं मिले फिलहाल, हम शॉर्ट सेल के ही हम लेवल की से बात करेंगे। अब दूसरा स्टॉक जो जुबिलेंट फूड, तो इसमें दोस्तों हमको बाई साइड के लेवल मिल गए, इसमें हम लोग बाई साइड की तरफ जाने वाले, ये रहे बाई साइड के टारगेट। फिर से वही दोस्तों, यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा हुआ, जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हमको अलर्ट आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस की बात करेंगे, तो यही दो स्टॉक्स लेकर आए हूँ। टाटा मोटर्स नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें पुट की बात करेंगे हम लोग, जुबिलेंट फूड ऊपर की तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन है तो इसमें हम लोग कॉल की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज जो मैंने स्टॉक दिया था ITC, उसका लेफ्ट साइड दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल कैश सेगमेंट का ITC का स्टॉक खुला हुआ, राइट साइड 28 दिसंबर की एक्सपायरी का 440 की स्ट्राइक प्राइस का 5 मिनट का कैंडल आप लोग सामने ओपन था। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही एक्टिवेट हुआ, उसी समय ये भी एक्टिवेट हो गया, और आज हमारा इसने पैसा इजीली डबल करके दिया है। जब ये वर्ड यूज़ करता हूँ दोस्तों इजीली डबल पैसा, तो मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, मैं खुद जब बनाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, तो मैं जब बनाता हूँ तभी मैं ऐसी बड़ी बातें करता हूँ कि रातों रात डबल या पैसा डबल या इस तरह की बातें। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल के लिए जो हमारे दो स्टॉक है उनमें ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटजी होने वाली। तो दोस्तों लेफ्ट साइड आप लोगों के सामने खुला है, लेफ्ट तरफ जुबिलेंट फूडवर्क का केस का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। और राइट साइड मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस का, जुबिलेंट फूड 28 दिसंबर 570, इसका करेंट प्राइस है 565, लेकिन हम लोग कॉल की बात करें तो 5 रुपये हम लोग 1% हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस वाला चार्ट मैंने ओपन किया, 28 दिसंबर की एक्सपायरी 570 स्ट्राइक प्राइस, 5 मिनट का कैंडल आप लोग सामने यहाँ पर ओपन है। तो अभी देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैंने जब यहाँ ये निकाल रहा था मैं इसके लेवल, इंट्राडे के लेवल जब मैं निकाल रहा था, तो ये इंट्राडे की एनालिसिस हुई थी हमारी, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑप्शंस में निकालूंगा तो बता देता हूँ एक बार, इस तरह दोस्तों ये हमारे इंट्राडे की एनालिसिस हुई थी, लेकिन ऑप्शंस में इस तरह एनालिसिस नहीं करूँगा। ऑप्शंस में मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही दिन का मैंने चार्ट यहाँ पे 2 दिन का हाई को मार्क किया, और सेम दोस्तों जब मैं इसको मूव करूँगा तो लेफ्ट साइड देखना एक वर्टिकल डॉटेड लाइन भी मूव हो रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ लेफ्ट साइड, उसका भी डॉटेड लाइन यहाँ पर आई है, और जब मैंने इसके हाई और इसके हाई को यहाँ पर ज्वाइन किया तो आप देख रहे हो बिल्कुल डिसेंडिंग लाइन हमारी प्रॉपर बनी है। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो कल अब क्या होगा, ये तो ठीक है इसके तो लेवल ऊपर जाएगा तो हमको ट्रेंड लाइन का अलर्ट आ ही जाएगा, लेकिन हमको वेट करना है इसका अलर्ट, इसका ब्रेकआउट करेगा
तब हम यहाँ पे ऑप्शंस लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शंस के लिए कोई अलर्ट नहीं लगते यहाँ पर, टेक्निकली सपोर्ट नहीं होता है, तो आप लोगों को ये ऑप्शंस थोड़ा मैनुअली मॉनिटर करना है। ध्यान रखना, तो ये एक्टिवेट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो गया है, ये पहले एक्टिवेट होगा, ऑप्शंस थोड़ा बाद में एक्टिवेट होगा, तो वेट करना है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मैनुअल एनालिसिस करनी होगी। शायद 12 रुपये के आसपास ये हमारा एक्टिवेट हो सकता है कल। तो ये था दोस्तों हमारा जुबिलेंट फूडवर्क का। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का भी मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड मैंने आप लोगों के सामने खोल ओपन कर दिया है कैश सेगमेंट का ग्राफ, और राइट साइड मैंने ओपन किया है ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, हम लोग बात कर रहे हैं पुट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या दिया टाटा मोटर्स में, यहाँ पर मैंने दिया है शॉर्ट सेलिंग का कॉल, ठीक है, यानी कि नीचे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो हम कॉल बाई तो नहीं करेंगे, पुट ही करेंगे। तो सेम थिंग दोस्तों, हमने इसलिए यहाँ पे पुट खोल लिया है, पुट ओपन कर लिया है। टाटा मोटर्स 20 दिसंबर की एक्सपायरी, 700 का पुट अभी चल रहा है यहाँ पर, प्राइस 700 के आसपास, तो यहाँ पे 700 एक काम करते हैं, ठीक है 705 भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब मैं यहाँ से 700 पे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 700 की स्ट्राइक प्राइस पे हमने यहाँ पर एनालिसिस कर रहा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट कब होगा, जब ये टूट के नीचे गिरेगा, जितना नीचे जाएगा उतना पुट ऊपर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये चार्ट उल्टा है, थोड़ा ध्यान देखना दोस्तों, इन्वर्स हमको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इसकी सपोर्ट है, एक दो, तो जब मैं यहाँ पर एक और दो बोल रहा हूँ तो वही एक और दो यहाँ पर होगा, दिख रहा है एक दो, तो जो इसकी यहाँ पर सपोर्ट है वो यहाँ पर रजिस्टेंस, और ये फोर्थ जो कि यहाँ पर है। तो जब ये नीचे जाएगा, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा जो रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा समझने, और ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों पुट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही। चलिए फिर अब बात कर लेते नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो है स्विंग ट्रेड, ठीक है। स्विंग ट्रेड के दोस्तों तीन स्टॉक हैं, जिनमें से दो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, एक पार्शली एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। इसकी हम लोग वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, तो मैं वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो ये मैं काफ़ी दिन से दे रहा हूँ दोस्तों, अभी तक इसमें एक्टिवेट नहीं हुआ है फिलहाल, जब भी होगा दोस्तों अच्छा हम लोगों को एक प्रॉफिट निकाल के देकर जा सकता है ये। तो ये तो भाई ठीक है, हमने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया है ना, जब भी एक्टिवेट होगा तो अलर्ट बच जाएगा। अब दूसरा स्टॉक दोस्तों यहाँ पर दिया है ये दोस्तों, आज भी जब भी एक्टिवेट होगा तो इस तरह देखो, पार्शली एक्टिवेट हुआ था, अलर्ट आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ये वीकली है, मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ, डेली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों। अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रखते हैं। तो ये जो ग्रेड आउट हो गया दोस्तों, मैं इसको फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये नीचे है, तो इस तरह यहाँ मैंने शॉर्ट टर्म लिख दिया, ये एक्टिवेट हो जा 1 2 3 4 5 6, क्यों नहीं हुआ भाई एक्टिवेट, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको ऊपर की तरफ, ओके ये एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो कल फिर से दोस्तों अब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर आप लोगों को इसका अलर्ट आ जाएगा, तो हमको थोड़ा इसके पीछे पड़े दोस्तों हम 2-3 दिन से, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब हम एक और स्टॉक दोस्तों जो पार्शली एक्टिवेटेड हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, TV18 BRD। तो यहाँ पर ये जो वीकली हम लोगों का ऐसे से यहाँ पर कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये पार्शली एक्टिवेट हो, अब मैं इसको डे पे डेली कन्वर्ट, डे पे ये है, ओके वीकली पे दिखा देता हूँ एक बार, वीकली पे कैसा दिख रहा है, ये वीकली पे दिख रहा है ना। अब हम इसको डे पे कन्वर्ट कर लेते, ये रहा डे, ऑलरेडी कन्वर्ट था पहले, ये रहा डे, अब थोड़ा सा आवर्ली कन्वर्ट करता हूँ ताकि थोड़ा और हमको क्लियर पिक्चर दिखे इसकी। तो ये दोस्तों आवर्ली पे, ठीक है, अब मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट आ गए भी 5 मिनट पर, अब दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ है, ठीक है एक्टिवेट भी हुआ, और अच्छी बात ये है कि ये मार लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल इमीडिएट पोजीशन बनती है, कल अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है तो, नीचे खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर अलर्ट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, मैं फिर से वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए अलर्ट वगैरह, नहीं लगाया था अभी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो आप शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब करके दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ लाइक किया करें, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।